नमस्कार। महिला सशक्तिकरण किसी भी सरकार के योजनाओं और नीतियों के केंद्र में रहा है। सरकार जब भी कोई योजना और नीति बनाती है, महिला सशक्तिकरण को विशेष रूप से ध्यान में रखती है। अब सवाल ये है, क्या होता है महिला सशक्तिकरण? महिला सशक्तिकरण दरअसल ऐसी स्थिति होती है जिसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाता है। उन्हें इस तरीके से सशक्त बनाया जाता है कि वे अपनी च्वाइसेस के हिसाब से अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश सकें और उससे संबंधित निर्णय ले सकें। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। महिला सशक्तिकरण को हम आर्थिक भागीदारी से बहुत आसान तरीके से जोड़ सकते हैं। जैसे कभी आप किसी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने का गए हों, तो अगर वो ज़मीन की रजिस्ट्री महिला के नाम पर करवाई जाती है तो सरकार टैक्स में उसके लिए छूट देती है। सरकार ऐसा इसलिए करती है ताकि उस महिला को आर्थिक भागीदारी मिल सके और आर्थिक भागीदारी से ही वो सशक्त बन सकती है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो इस बार के बजट में महिलाओं के लिए क्या खास कहा गया है, इसको लेकर के आइए हम चर्चा कर लेते हैं। इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने देश की महिलाओं के लिए कुछ खास ऐलान किए हैं। अगर इन ऐलानों की मैं बात करूँ तो इसके तहत महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने एक नया रोड मैप तैयार किया है। इस रोड मैप के तहत देश के कुल 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक अलग लेवल पर ले जाया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, ग्रामीण महिलाओं को जोड़ने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्थापित किया गया था। 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप से महिलाओं को जोड़कर उन्हें कच्चे माल की आपूर्ति करने लायक बनाया जाएगा और बेहतर डिज़ाइन करने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वहीं वित्त मंत्री ने अपने भाषण में आगे कहा कि अनुसमर्थक नीतियों के साथ महिलाओं को इस बात के लिए सक्षम बनाया जाएगा कि वे बड़े उपभोक्ता बाजारों में सेवा देने के लिए अपने प्रचालनों का दायरा बढ़ाए। इसके अलावा पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान के तहत सहायता पैकेज भी दिया जाएगा। इसके जरिए कारीगरों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार लाने, उन्हें MSME वैल्यू चेन के साथ एकीकृत होने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार की दान लक्ष्मी बीज वितरक योजना जैसे कार्यक्रमों को लागू किया जाएगा और सक्षम आंगनबाड़ी, पोषण 2.0, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य जैसे कार्यक्रमों को संशोधित करके महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जाएगी। इस बार वित्त मंत्री के पिटारे से महिलाओं को अपने लघु बजट के लिए एक तोहफा मिला है। इसके तहत महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा और यह महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम 2 साल के लिए उपलब्ध होगी। इस स्कीम के तहत महिलाओं को अपने खाते से आंशिक निकासी की सुविधा भी दी जाएगी। इस प्रक्रिया के द्वारा देश के अंदर लघु बचत को बढ़ावा मिलेगा और देश की कुल बचत में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। ये थी कुछ प्रमुख बातें इस बार के बजट में महिला सशक्तिकरण को लेकर के और महिलाओं के योगदान को लेकर के।